अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज जनाब वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए गाड़ी की बैटरी की जो लाइफ है उसको आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं और उसकी चार्जिंग को किस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम आ चुका है और अक्सर औकात जो है वो गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती और बैटरी उनकी डाउन हो जाती है। तो ये जनाब हमारी टोयोटा लैंड क्रूज़र J40 है जिसको पिछले 40 से 50 दिनों में हमने स्टार्ट नहीं किया और ना ही इसकी राइड की है। तो अभी हम बताएंगे आपको कि किस तरह से आप अपनी बैटरी की लाइफ जो है उसको बढ़ा सकते हैं। ये देखें जनाब, इसका हमने बोनट ओपन किया है, इसकी ये बैटरी जो है हमने इंस्टॉल की हुई है। इसका आप देख सकते हैं जो नेगेटिव वाली केबल है वो हमने टर्मिनल से उसको उतारा हुआ है और जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो एज इट इज़ लगा हुआ है। इसमें बताता चलूँ कि जब भी आपने ये तरीका करना है, गाड़ी को लंबे अरसे के लिए खड़ा करना है, एक हफ़्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए, तो आपने उसका जो नेगेटिव वाली केबल है उसको टर्मिनल से अलहदा कर देना है, ठीक है, और पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है उसको आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि जो गाड़ी की बॉडी होती है वो नेगेटिव होती है। अगर पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से टच करेगा तो अर्थ होगा और स्पार्क हो सकता है आपके ECU में और वायरिंग वगैरह में इशू आ सकता है। तो आपने सिर्फ ये नेगेटिव वाली वायर जो है इसको डी अटैच करना है बैटरी से और देखेंगे इसको हम इस तरह से फिक्स करेंगे। एक आपके पास जो है आपकी बैटरी में जो भी चाबी लगती है 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर, वो आपकी गाड़ी में टूल बॉक्स में लाजमी होनी चाहिए। इसको आपने अच्छी तरह टाइट करना है और इसको प्रॉपर फिक्स करके जो है फिर आपने गाड़ी का सेल्फ मारना है, ठीक है। WD-40 भी होना चाहिए क्योंकि इन पर रस्ट वगैरह आ जाती है, तो आप स्प्रे वगैरह करके रस्ट को दूर कर सकते हैं। टर्मिनल जो है हमने नेगेटिव जो है उसको अटैच कर दिया बैटरी के साथ, हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी काफ़ी गंदी हुई भी है क्योंकि हमने इसको 40-50 दिन से इस्तेमाल ही नहीं किया, तो अभी इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये हीटर लगाया जी पहला, ये डीजल है 1KZ और ये हम मारेंगे सेल्फ। ये हो गई है हमारी गाड़ी स्टार्ट। ये कम से कम जो है 40-50 दिन के बाद मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की है और बैटरी जो है एज इट इज़ चार्ज है 70-80% या 90% जो भी इसकी चार्जिंग इसके अंदर होल्ड होगी। अगर आप इस तरह का तरीका करते हैं तो याद रखिएगा कि बैटरी जो है वो 6 महीने से 1 साल तक जो है वो चार्जिंग को होल्ड रख सकती है। सिर्फ आपने रिमूव करना है नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव को नहीं छेड़ना। थैंक यू।